कॉल्स, व्हाट्सएप, ईमेल्स, टेलीग्राम, सारी चीज़ें एक ही चीज़ से भरी पड़ी हैं। क्या कि अमित सर हमने सुना है कि नया सिलेबस ICSI का आने वाला है, अमित सर हमारा क्या होगा, सर नए कोर्स में से सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंड आईडीज हटा दिया, सर नए कोर्स के अंदर कंपनी लॉ, सिक्योरिटी लॉ दोनों मॉड्यूल वन में डाल दिया, सर हम कैसे करेंगे, सर आपकी इसमें क्या ओपिनियन है, प्लीज़ आप इस पर एक वीडियो लाइए। बहुत सारे बच्चों ने हमारे सारे इनबॉक्सेस इन्हीं तरीके के मैसेजेस से फिल कर दिए हैं। सो आई CS अमित वोरा आई एम हियर जस्ट टू एनलाइटन यू अबाउट व्हाट न्यू सिलेबस इज, व्हाट एन ओपिनियन ऑफ माइन रिगार्डिंग न्यू सिलेबस इज। बच्चे आप मुझे एक चीज बताइए और मेरी बात को सुनिएगा, मैं ना प्योर वेजिटेरियन हूँ, आई डोंट ईट नॉन वेज, और 6 महीने बाद चिकन और मटन का भाव, इनका प्राइस बढ़ने वाला है, तो आपके हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए? आई एम अ वेजिटेरियन दो आई डोंट ईट चिकन एंड मटन, तो उसके प्राइस से मुझे क्या फर्क पड़ना चाहिए? मेरे घर में कोई पेट नहीं है, आई डोंट हैव पेट इन माई होम, और हमारे एरिया में जितने भी डॉक्टर्स हैं जो वेटनरी डॉक्टर्स होते हैं उन्होंने अपनी फीस को 3 गुना हाइक कर दिया है। अब बताओ बच्चों मैं क्या करूं? अमित सर आपके पास जब कुत्ते हैं ही नहीं, आपने कोई पेट पाला ही नहीं हुआ डॉग, तो आपको क्या मतलब है फीस बढ़े या ना बढ़े? जब आप नॉनवेज खाते ही नहीं हो तो आपको क्या फ़र्क है चिकन मटन का रेट कहाँ जा रहा है? इसी तरीके से जब वो न्यू सिलेबस आपके लिए है ही नहीं तो आपको क्यों पैनिक लेना है? बेटा पहली चीज़, न्यू सिलेबस हर 5 साल के बाद आता है, कोई नई चीज़ नहीं हो रही है। I have been teaching since 2006. 2006 में जब मैं पढ़ाता था, 2008 में कोर्स चेंज हुआ, फिर 5 साल बाद 2013 में हुआ, फिर 2018 में हुआ, 2023 में होना ही होना है। इट इज़ ऑब्वियस कि 2023 में कोर्स चेंज होगा, एंड हर बार फरवरी में चेंज होता है एंड दिसंबर में फर्स्ट अटेम्प्ट होता है न्यू सिलेबस का। इसका मतलब क्या हुआ कि नेक्स्ट ईयर फरवरी में कोर्स चेंज होगा एंड जो दिसंबर 2023 के अंदर बच्चे अपीयर होंगे उनके लिए नया कोर्स होगा। तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि जो लोग अभी करंटली CS एग्जीक्यूटिव में हैं, वाई आर दे अंडर पैनिक? क्यों पैनिक में हो भाई, क्या चाह रहे हो? बच्चे आप एक चीज सोचिए, जो भी बच्चे एग्जाम देंगे कब? जनवरी 2023 के अंदर CSEET का, जो लोग जनवरी 2023 में CSEET का एग्जाम देंगे उनका जो रिजल्ट आएगा, जो कि जनवरी एंड तक आता है, उन बच्चों के लिए दिसंबर 2023 में एग्जाम होगा नए कोर्स का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो लोग अभी करंटली CS एग्जीक्यूटिव में है वो लोग क्यों पैनिक हो रहे हैं यार? क्या आप जून 22 में नहीं निकाल पाएंगे एग्जाम? नहीं सर हम तो अभी अभी CS एग्जी में आए हैं। कोई ना, आप दिसंबर 2022 में निकालोगे? नहीं सर हमने तो एक दिन है दिसंबर 22 में, दूसरा दिन है 2023 जून में, तब तक निकाल लोगे? आप क्या कहना चाहते हो कि आप 2 साल CS एग्जीक्यूटिव में ही बड़े रहोगे? क्या CS करने के लिए 5 वर्षीय 5 ईयर्स प्लानिंग लेके आए हो क्या? तो बच्चे व्हाट आई मीन टू से इज, जैसे मुझे अनरिलेटेड फैक्टर से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको भी नहीं पड़ना चाहिए। ये आपके लिए न्यूज़ है ही नहीं और ये बड़ी बेसिक न्यूज़ है, ये हर 5 साल बाद होता है। आई डोंट नो व्हाई यू गाइस आर गेटिंग पैनिक। तो जितने भी बच्चे करंट सिलेबस CS एग्जीक्यूटिव में हैं, सेम इज द केस विद CS प्रोफेशनल का भी नया सिलेबस जो है वो 2024 जून से अप्लाई होगा। तो भाई अभी तो आप फरवरी 2022 में बैठे हो, आप जून 2024 में जब पहला अटेम्प्ट होगा उसको लेके अभी क्या 2.5 साल आप क्या प्रोफेशनली क्लियर नहीं करोगे? तो आई होप कि आपको मेरी बात समझ आई बच्चे, कि ये जो न्यूज़ है ये हमेशा आती है, हर 5 साल के बाद ये होता है, लेकिन जो करंटली स्टूडेंट जिस लेवल पे हैं उनके लिए नया सिलेबस का कोई रेलेवेंस नहीं है। तो सी यू गाइज इन लाइव बैचेस, टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट।